हल्लो की चौकी में ये वाकया पेश आया। चूंकि हल्लो की चौकी थाना कान्हा के अंडर है और चार चौकियां थाना कान्हा के अंडर है, वहां पर किस किस्म की नफरी है और एसएचओ साहब इस हवाले से कितना अवेयर हैं, ये सब उन्हीं से जानते हैं। नाजरीन, कान्हा काछा थाने में हम मौजूद हैं और कान्हा थाने का एरिया बहुत बड़ा है। आपने मुतादित प्रोग्राम देखे, जब हम पहले प्रोग्राम करते थे तो कान्हे की दूसरी से तीसरी स्टोरी जो है वो आपको सुनने को मिलती थी, लेकिन यहाँ पे क्राइम को काफी कंट्रोल किया आसिफ खान साहब जब से यहाँ पर आए, इस पर कंट्रोल किस तरीके से किया और फिर जो चौकियां हैं मुख्तलिफ, उसमें गश्त की क्या रूटीन है, किस तरीके से उसको मौसर बनाया गया है, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब। वालेकुम सलाम। आसिफ साहब, इसको कंट्रोल आपने कैसे किया, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई कि मतलब क्राइम को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें तो सबसे पहले मैंने अपनी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने सबने मिल के इसमें मेरा तामन किया, मेरा साथ दिया। तमाम जो चौकीन चार सुई असल है उसने शब रोज मेहनत करके तीन गैंग पकड़े, चौकीन चार लखोकी ने एक गैंग पकड़ा और मुख्तलिफ पीओस मंशियात के मुकदमे, असला के मुकदमे, मुख्तलिफ मुकदमा ट्रेस आउट किए। और इसमें ये प्रिवेंशन हमेशा डिटेक्शन से होती है। जब हमने गैंग्स पकड़ लिए तो उसमें स्ट्राइक डाउन हुआ और काफ़ी वारदात में कमी आई। पेट्रोलिंग प्लान के लिहाज से हमने तमाम वाफस कनक्कर रोड, सुयासल, गजुमता और शहजादा रोड और वाफस स्पेशल चलाए और इनकी पिटिंग बकायदा की, रेगुलर क्राइम टाइम को देखा और उसके मुताबिक हमने ये सब कुछ सेटल्ड हो। तो इसकी मॉनिटरिंग भी होती है आपके पास कि कौन किस वक्त कहाँ पे है? यस, 24 घंटे। अच्छा, 24 घंटे मॉनिटरिंग है? 24 घंटे। तो अच्छा सर, इसमें सिर्फ गश्त में आप सिर्फ मोबाइल भेजते हैं या फिर उसके अलावा बाइक्स वगैरह भी जाती हैं या वैसे भी गश्त होता है? नहीं नहीं, गाड़ी पे भी होती है, मोटर बाइक पे होती है, प्राइवेट गाड़ी पे होती है, हर जगह हम हर शक्ल में मौजूद हो। अच्छा सर, ज्यादा सवीर किस्म के क्राइम, हीनियस क्राइम कौन से हैं इस आपके थाने के एरिया में? हीनियस क्राइम में जो इस वक्त डिस्टर्ब कर रहा था वो मोटरसाइकिल चोरी था। मोटरसाइकिल चोरी था और उस पर हमने दो गैंग पकड़ ली हैं, वो भी इंशाल्लाह मौसर हो जाएगा। अच्छा सर, ये जो गश्त है या इस हवाले से जो आपके पास नफरी है वो भी पूरी है? कहा जाता है कि नफरी का काफी ज्यादा प्रॉब्लम आता है वो हर थाने में। नफरी का थाना काना में कोई प्रॉब्लम नहीं, थाना काना में और तमाम चौकीज पे भी नहीं है कोई चौकी में कोई प्रॉब्लम। अच्छा सर, अभी कुछ अरसा कबल तकरीबन 5:12 को 11 बजे दिन दिहाड़े डकैती की वारदात हुई वो इलाका थाना हल्लो की में, तो सर दिन के वक्त गश्त नहीं होता या फिर लोगों की जानिब से कोई प्रिवेंशन मेजर्स नहीं लिए जाते या इजी ले जाते हैं? एक तो उधर सिक्योरिटी गार्ड कोई नहीं था, सीसीटीवी कैमरा उनका आउटर साइड पे कोई नहीं था और दूसरा वो दुकान उन्होंने शिफ्ट की थी नहीं, जिसकी वजह से जो है वो ये सारा हुआ। मतलब आप समझते हैं कि पुलिस के साथ साथ आवाम को भी चाहिए कि किसी जगह पे अगर कोई शॉप वगैरह बनाते हैं तो अपनी मैयर्स भी लें। अब पुलिस और आवाम अगर मिलके चलेंगे तो तभी मामला सेटल होंगे और हम भी आवाम से हैं। अच्छा सर, अगर सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिल जाए तो मुलजिम जल्दी ट्रेस आउट हो जाते हैं? हाँ, इसमें एक गाइडलाइन मिल जाती है आपको। तो अभी जो मोबाइल फुटेज उसकी जो मिली है उससे गाइडलाइन प्रॉपर मिली है? अच्छा सर, ये बताएं कि जिस तरह से भी साल खत्म हो गया, ये इसमें आप क्या समझते हैं कि आपकी सबसे बड़ी कामयाबी कौन सी है? इसमें सबसे बड़ी कामयाबी जो मेरे नज़दीक है वो एक मंशियात का माफिया चेडू गांव में और एक इसी इंडस्ट्रियल स्टेट में एक मट्टी का माफिया था जो मट्टी उठाते थे, उसको हमने कंट्रोल कर। अच्छा, इस हवाले से पॉलिटिकल प्रेशर भी कोई होता है कि अब वो दरकोरे इतना नहीं समझते? अच्छा आसिफ साहब, ये बताएं कि मतलब काफ़ी बर्डन होता है, खसूसन दो बड़े थाने हैं यहाँ के, एक तो शाहदरा और एक आपका कान्हा, और दोनों हदूद ही है समझें, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पे डकैती करके या वारदात करके लोग दूसरे इलाकों में फरार हो जाते हैं, जैसे कसूर जो है वो यहाँ पे करीब है, तो इस किस्म के मामलात कुछ होते हैं और कुछ आप लोगों को हर्डल्स भी पेश आती हैं? हर्डल्स तो हर जगह आती हैं, हर काम में आती हैं, पुलिस का काम है हर एक चीज़ को टेक ओवर करना और पुलिस करती है। अच्छा, DIG ऑपरेशन की तरफ से क्या हिदायत है खसूसन इस हवाले से? DIG साहब ऑपरेशन की प्रायोरिटीज़ में कैटेगरी ए के पीयूस मुकदमात को ट्रेस आउट करना और गैंग पकड़ना, ऑटोमेटिक वेपन्स रिकवर करने और तफ्तीश मेरिट पे करनी, 15 की कॉल्स पे फौरी रिस्पांस करना और FIR की फ्री रजिस्ट्रेशन। अच्छा सर, सपोज जिस तरह से ये डकैती हुई, मैंने एक शख्स से ये सवाल भी किया कि आपके पास मोबाइल था, आपने 15 पे कॉल क्यों नहीं की, कि लोगों को एजुकेट नहीं किया गया, लोगों को बताया नहीं गया कि या लोग हिम्मत नहीं करते ऐसी वारदात के वक्त? काफी अवेयरनेस है लोगों में, तो 8787 भी है, दूसरा भी लोगों को काफी, हमारा जो ये जो IC3 यूनिट होना है इसके जरिए प्रॉपर विद इन
नो टाइम हमें मैसेज आया था, यानी लोगों को हिम्मत करनी चाहिए कि वो कॉल करें। लोग हिम्मत कर रहे हैं, नहीं जिस तरह से ये वारदात हुई वहां से वन फाइव पे कॉल होती तो फौरन पुलिस पहुंच जाती। शायद वो बैडली ऐसा उनसे हो गया, लेकिन अक्सर औकात कॉल आ जाते हैं। अच्छा सर, चौकी में कितनी मतलब आप लोग नफरी रखते हैं, जरूरत के मुताबिक रखते हैं या एरिया वाइज डिवाइड की भी आप लोगों? हाँ नहीं, हमने क्राइम वाइज डिवाइड की हुई। हाँ कि किस किस चौकी पे ज्यादा क्राइम है इस वक्त, रेशो कहाँ पे? हल्लो की और इंडस्ट्रियल एरिया में। उसकी रीजन क्या है सर? उसकी रीजन ये है कि उधर गांव में कुछ आबादी भी इस तरह की है, गुटियन इस तरह की है, कुछ क्राइम पॉकेट्स भी हैं और वो शुरू से चली आ रही है। अच्छा, आप पब्लिक का पुलिसिंग पे यकीन रखते हैं, पब्लिक को आना चाहिए और पुलिस के साथ तावुन तो करना चाहिए, बैठी है पब्लिक के लिए, तो पब्लिक वो रिस्पांस देती है सर? बिल्कुल रिस्पांस देती है। मतलब आप समझते हैं कि पब्लिक अब रिस्पांस देना शुरू हो गई है? बिल्कुल दे रही है। तो इस तरह से क्राइम पब्लिक और पुलिस एक पेज पे है, एक पेज पे इस वक्त है। तो पुलिस से क्यों शिकवे शिकायत वैसे पब्लिक को होते हैं अमूमी तौर पर? वो शिकवे शिकायत तो दुनिया में हर जगह है, तो यहाँ भी है। मतलब ये लोगों की मोहब्बत है कि शिकवे कर लेते हैं, अपनों से किए जाते हैं ना? अपनों से किए जाते हैं, मैं उनसे, आवाम हमसे है, हम आवाम से। तो पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? पब्लिक को यही मैसेज देता हूँ कि ये दरवाजे खुले हैं, जब चाहे जिस मामले के लिए मेरे पास आना चाहे मैं हाजिर हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।